2014 लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की स्थिति खराब ही होती चली गई है। एक तरफ मोदी और बीजेपी का कद बढ़ता चला गया तो दूसरी तरफ कांग्रेस सिमटती चली गई। इसके बाद से अभी तक लगभग जितने चुनाव हुए पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ा है। शायद इससे खराब स्थिति कांग्रेस की पहले कभी नहीं हुई है। पार्टी एक अध्यक्ष को चुनने के लिए पिछले 2 सालों से जूझ रही है, लेकिन अभी भी अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के सामने अब 2 समस्या आ गई है। एक तो पार्टी को फिर से संगठित करना ताकि मोदी से मुकाबला किया जा सके, और दूसरा फंड जमा करना। लगातार चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस कंगाल हो चुकी है। राजनीतिक संकट के बाद अब पार्टी को गंभीर धन संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान ने राज्य इकाइयों से भी बात की है। आर्थिक संकट को लेकर पार्टी के टॉप मैनेजर्स ने महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की है। इसमें इन राज्यों के मंत्रियों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल रहे। मुलाकात के दौरान नेताओं को जोर देकर कहा गया है कि वो फाइनेंस की जिम्मेदारी को निभाए और पार्टी को फंड दे। इससे पहले कांग्रेस को साल 2019-20 में 139 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला था। पार्टी के सदस्यों में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी कोष में सबसे अधिक 3 करोड़ रुपए का योगदान दिया था, लेकिन इस बार अभी तक पार्टी को बहुत कम ही चंदा मिला है। कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी कि जल्द से जल्द संकट खत्म हो जाए। इसके अलावा इस समय राजधानी में कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर पार्टी के दिमाग में चल रहा है। पिछले कुछ समय से इसका निर्माण चल रहा है। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है कि पार्टी अब अपने दम पर सिर्फ 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सत्ता में है। पुडुचेरी में पार्टी की स्थिति कुछ ठीक नहीं मानी जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी गठबंधन के साथ सत्ता में है, लेकिन इन दोनों राज्यों में पार्टी की हैसियत नंबर 3 और नंबर 2 की है। ऐसे में मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पार्टी को अधिक से अधिक चंदे की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को चंदा देने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस की साठगांठ पहले ही सामने आ चुकी है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस शुरू से ही राजनीति कर रही है, लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन को कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि किसानों को भड़काकर देश में मोदी विरोधी माहौल तैयार किया जा सकता है। कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को भी देख रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में किसान महापंचायत में हिस्सा लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार में जुटी है। इस दौरान प्रियंका गांधी किसान नेता राकेश टिकैत की तारीफ कर रही हैं। मुजफ्फरनगर की एक किसान महापंचायत में प्रियंका ने कहा कि आज देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका ने कहा, जिस तरह से इन्होंने अपने 2-3 मित्रों को पूरा देश बेच दिया है, उसी तरह ये आपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आंदोलन के दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे, तब पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने गन्ना के बकाये के भुगतान का वादा किया था। पीएम ने किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वादा किया था। आमदनी बढ़ी क्या? प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उस पर एहसान करती है। मुझे इसका पूरा एहसास है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है, उन्हें अपमानित किया गया। उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकी कहा गया। पीएम मोदी जी ने पूरे संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया, किसानों को परजीवी कहा। हालांकि भले ही किसान आंदोलन के बहाने प्रियंका यूपी विधानसभा को देख रही हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को किसान भी समझ रहे हैं। और प्रियंका कितने भी महापंचायत क्यों न कर लें, यूपी की जनता कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सियासी रंग देने में लगे हुए हैं। टिकैत अब अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को अपनी फसल की कुर्बानी देने के लिए कह रहे हैं। राकेश टिकैत अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन खुद करोड़पति हैं। गरीब किसानों को फसल जलाने के लिए कह रहे हैं। राकेश टिकैत और विपक्षी दलों का साठगांठ पहले ही सामने आ चुका है। मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने किसान आंदोलन को हवा दिया था और राकेश टिकैत इसमें मोहरा बने हैं, लेकिन कांग्रेस और टिकैत का किसान आंदोलन कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद से ही राकेश टिकैत मोदी सरकार को बार बार धमकी दे रहे हैं। दिल्ली से किसानों का पलायन जारी है। ऐसे में राकेश टिकैत अब गाजीपुर छोड़ किसानों के पास पहुंच रहे हैं। हरियाणा के खरक पूर्णिया में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो भी फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा।
टिकैत ने आगे कहा कि सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि किसान अपनी फसल काटने के लिए चले जाएंगे, अगर वो अड़ेंगे तो हम अपनी फसल में आग लगा देंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन दो महीने में खत्म हो जाएगा, हम खेती भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल राकेश टिकैत अब ऐसी बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चक्का जाम के बाद अब रेल रोको भी पूरी तरह फेल हो गया है। टिकैत को अब किसानों का साथ नहीं मिल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार भी किसान नेताओं से बातचीत करनी छोड़ चुकी है, जिसके बाद टिकैत की सियासी दुकान बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है और आंदोलन भी पूरी तरह फेल हो चुका है। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 3 महीने से टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर बात नहीं बनी है। एक तरफ किसान कानून को रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में किसान आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार और किसानों के बीच जमीन के साथ साथ लड़ाई सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है। अब किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार सोशल मीडिया पर भी आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। किसानों का कहना कि बीजेपी के आईटी सेल के इशारे पर उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बंद व हैक किए जा रहे हैं। ट्विटर पर आंदोलन का समर्थन करने वाले अब तक आधा दर्जन से अधिक खातों को बंद किए जा चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने 2 बार ट्रैक्टर 2 ट्विटर अकाउंट बंद करने की कोशिश की। सरकार के इशारे पर पहले किसानों की बिजली पानी सप्लाई बंद की गई और फिर आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। मोबाइल का नेटवर्क खराब किया गया ताकि किसानों का एक दूसरे से संपर्क टूट जाए। बावजूद किसानों ने हार नहीं मानी तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल किसान नेता ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आंदोलन में अब राजनीति घुस चुकी है। विपक्ष के इशारों पर किसान नेता लगातार मोदी सरकार के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आंदोलन कमजोर पड़ने से किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर भी दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या कम होती जा रही है। इससे किसान नेता और भी बौखलाए हुए हैं, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करने पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन अब पूरी तरह बदल गया है। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीति का मंच बन गया है। विपक्ष को किसान नेता और बिजनेसमैन राकेश टिकैत के रूप में एक मोहरा मिल गया है जो किसानों को इकट्ठा कर सकता है, लिहाजा विपक्ष भी राकेश टिकैत की जमकर तारीफ कर रहा है। बीते दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा राकेश टिकैत की तारीफों की पुल बांधने में जुटी थी। हालांकि किसान आंदोलन से निकले राकेश टिकैत को मोदी सरकार अपने फायदे के रूप में देख रही है। दरअसल मोदी सरकार ने कृषि बिल वापस लेने से मना कर दिया है, जिसके बाद टिकैत दिल्ली के बॉर्डर से दूर गांव-गांव पंचायत करने में जुटे थे। सरकार चाहती है कि राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत करते रहें, उनकी छवि किसान नेता के बजाय जाट नेता की बन जाए। टिकैत इसी राह पर चल पड़े थे, लेकिन पंजाब के किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे में बहुसंख्यक है, उन्होंने सरकार की मंशा और टिकैत के कदमों को भांप लिया, जिसके बाद महापंचायतों को लेकर राकेश टिकैत के हाथ बांध दिए गए हैं और अब फैसला लिया गया है कि राकेश टिकैत हरियाणा और पंजाब में महापंचायतें नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने फैसला किया है कि महापंचायत के बदले अब बड़ी रैलियां की जाएंगी। दरअसल गाजीपुर से बाहर निकलने के बाद राकेश टिकैत ने हरियाणा में लगातार कई जगहों पर किसान महापंचायतें की, तो ये सवाल उठने लगा कि वो खुद को जाट नेता के तौर पर आगे ले जाना चाह रहे हैं। किसान संगठनों ने राकेश टिकैत की महापंचायतों पर एतराज करना शुरू कर दिया। टिकैत पर ये भी आरोप लगे कि टिकैत ने किसान आंदोलन पर कब्जा कर लिया है, पश्चिमी यूपी में उनके भाई महापंचायतें कर रहे हैं। इन सब के मद्देनजर किसान नेताओं ने महापंचायतों को लेकर नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। हालांकि नई रणनीति से किसानों को कितना फायदा होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब राकेश टिकैत की मंशा को किसान संगठन भांप चुके हैं और आने वाले दिनों में राकेश टिकैत के खिलाफ ये किसान संगठन मोर्चा भी खोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।